एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहली मेरिट जारी कर दी गई है सीड साइंस एमएससी की। जी हाँ, एमएससी की मेरिट से संबंधित डाटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है कैस्पोटेक के नाम से, वहां पे भी देख सकते हैं। जो मेरिट जारी करी गई है उसमें डेट गलत लिख दी गई है। डिक्लेरेशन की डेट जो है 29/11/2021 लिखी गई है और जो फी पेमेंट की लास्ट डेट लिखी गई है वो 24/11/2021 लिख दी गई है, जबकि आपकी फी पेमेंट की डेट 29/11/2021 होनी चाहिए और जो मेरिट की डिक्लेरेशन की डेट है वो 25/11/2021 होगी, क्योंकि आज डाटा अपलोड हुआ है 26 में, तो ये 25 तारीख को मेरिट जारी करी गई होगी। जनरल कैटेगरी के अंदर जो पहले नंबर पर स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज 91.6 है और जो यहाँ पर मिनिमम है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर भी 89.1 है। अनरिजर्व गर्ल्स के अंदर दो स्टूडेंट है 88.06, 87.97। EWS कैटेगरी में एक ही स्टूडेंट है 78.8। OBC के अंदर चार स्टूडेंट है 88.5 और मिनिमम जो है 81.2। इसी प्रकार OBC गर्ल्स में 79.13 एक ही स्टूडेंट है। SC कैटेगरी के अंदर दो स्टूडेंट है 87.4, 82.85। SC गर्ल में एक ही स्टूडेंट है 81.01, ST के अंदर 77.65। नीचे उससे संबंधित नोटिफिकेशन दे दिया गया है, यहाँ पर डेट सही लिख दी गई है। डिक्लेरेशन की डेट 25/11 लिखी गई है और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 29/11/2021 लिखी गई है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको अपनी जो फी पेमेंट करनी होगी वो समर्थ वाला पोर्टल यूज करना होगा, जहां से आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल किया था वहीं पर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा। आपको 3,360 रुपए डिपॉजिट करने हैं, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी इस नोटिफिकेशन के अंदर दे दी गई है। जब आप समर्थ वाले पोर्टल से जाकर लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसी के नीचे आपको लास्ट डेट भी मिल रही होगी। आप वहां से अपनी फी का पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप यूनिवर्सिटी को मेल करके बता सकते हैं। फी पेमेंट करने के बाद यदि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है और आपकी लॉगिन आईडी पर आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप 1-2 घंटे का वेट कीजिएगा, लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करके चेक कीजिएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रखा है तो आप यूनिवर्सिटी को अपनी बैंक डिटेल और ट्रांजेक्शन डिटेल के साथ इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेल कर दीजिएगा, आपकी एक्नॉलेजमेंट की स्लिप अपडेट कर दी जाएगी या आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो आपको डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में लेके जाने होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आपको अपने ओरिजिनल सभी सर्टिफिकेट कैरी करने होंगे और कुछ ओरिजिनल आपके वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे जिनमें TC, CC, माइग्रेशन है, तो इस प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये मेरिट जारी कर दी गई है, आप इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है कैस्पोटेक के नाम से, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो, तो चलिए फिर मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।